of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. हेलो सुपर गाइस, वेलकम टू एपिसोड सुपर टॉक। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे हमें एंड गेम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और एमसीयू के फ्यूचर के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो बना रहा था तब तक अवेंजर एंड गेम ने पूरे वर्ल्ड वाइड 2.616 बिलियन डॉलर की कमाई कर ली थी। यानी कि दो चार दिनों में अभी अवतार का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। अब रिसेंटली सामने आई कुछ कैप्टन अमेरिका की नई शील्ड की इमेज है। ये शील्ड इन्फिनिटी वॉर में यूज होने वाली थी। यानी कि वही बैग शील्ड है जिसकी बात हैप्पी ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में की। ये शील्ड का आइडिया इसलिए ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि डायरेक्टर आयरन मैन में और कैप्टन मैन कोई रिलेशन नहीं दिखाना चाहते। बाकी तो ये शील्ड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। तो भाई अब क्या, एंड गेम के बाद अब क्या? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, ये तो बचे नहीं। अब अवेंजर्स को कौन लीड करेगा? तो फ्रेंड्स, अवेंजर्स को अब लीड करेगी कैप्टन मार्वल और वो फ्यूचर में आने वाले ए फोर्स को भी लीड करेगी, जो कि थॉर अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने थॉर अब बन गया हिस्सा एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का। बाकी तो अगले दो तीन साल तक हमें एमसीयू में अवेंजर जैसी कोई सुपर हीरो मूवी नहीं दिखेगी। या फिर हमें यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर ऐसी मूवी के सीक्वल दिख सकते हैं, या फिर शैंग्ची जैसी नई सुपर हीरो की ओरिजिनल स्टोरी। अभी तो एमसीयू में हमें कॉस्मिक यूनिवर्स का दिखना भी बाकी है और आगे भी हमें थैनोस से भी ज़्यादा ताकतवर सुपर हीरो देखने को मिल सकते हैं। अब न्यूज आ रही है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से। तो यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि अभी स्टैनली तो बचे नहीं, फिर एमसीयू में कैमियो कौन देगा? तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आ रहा है कैप्टन अमेरिका का, जो कि अब बूढ़े चुके हैं, इसलिए हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में कैप्टन अमेरिका कैमियो दिख सकते हैं। एक तरह से उनको ट्रिब्यूट भी हो सकता है। बाकी तो अभी सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत वायरल चल रहा है जिसका नाम है स्टार गाउंटलेट वर्सेस इन्फिनिटी गाउंटलेट। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा गाउंटलेट ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टोनी के गाउंटलेट से सिर्फ एक बार स्नैप किया गया, दूसरा स्नैप तो उसने मार्केटी पर आर्मर से किया था। अभी न्यूज़ आ रही है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इनके नाम से कन्फ्यूजन की, जो कि हमें अवेंजर्स एंडगेम में देखा कि थॉर ने आखिर में कहा था कि वो अब एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हिस्सा है। यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी आने वाली, तो क्या इस मूवी का नाम एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हो सकता है? ये आप हमें कमेंट में बताएं। आखिर में तुम्हें मेरी फैन थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी अवेंजर्स एंडगेम का नाम पहले अवेंजर्स एनिहिलेशन था, ऐसा कुछ वायरल आया था, पर वो रखा नहीं। तो क्या हमें फ्यूचर में आने वाली 10 साल बाद या 5 साल बाद जो अवेंजर्स की जो नई मूवी आएगी, यानी कि न्यू अवेंजर जिसमें एक्समैन भी हो सकते हैं, तो उस मूवी का नाम क्या अवेंजर एनिहिलेशन होगा, जो कि इसमें सारे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, डेडपूल और बाकी के हमें कॉमिक्स कैरेक्टर भी दिखेंगे। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आपके लिए आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई और भी जानकारी हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आपको स्टार गाउंटलेट पसंद है या फिर इन्फिनिटी गाउंटलेट, और आने वाले एमसीयू के फ्यूचर में आपको क्या लगता है क्या होगा अभी एमसीयू के फ्यूचर में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करना। दिस क्रेजी स्टूडियो साइनिंग ऑफ। बी क्रेजी लाइक मी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कैप्टन अमेरिका हैमर की वीडियो बताऊंगा। सो गाइस, ये तो अभी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ चुकी है जिसमें वो बता रहे कि कैप्टन अमेरिका हैमर कैसे उठा है। तो अभी मैं एक अलग टॉपिक ढूंढ रहा हूँ जो आप लोगों को भी पसंद आए। तो चलिए उस टॉपिक पर मैं काम शुरू करता हूँ। तो बाय।